साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें के आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो आज का वीडियो भाग नंबर 3 है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर है आज ना, ठीक है? तो ना को लिखेंगे एन ए ना, ठीक है? फिर लिखेंगे हम लोग ना, ना में बड़े आ की मात्रा, तो हो गया एन और डबल ए ना, ठीक। फिर लिखेंगे ना, ना में छोटी की मात्रा यानी कि एन आई नी, ठीक। फिर लिखेंगे हम लोग ना में बड़ी ई की मात्रा, तो एन डबल ई नी, ठीक है। फिर लिखेंगे नू, ना में छोटे ऊ की मात्रा, तो एन यू नू। फिर लिखेंगे ना में बड़े ऊ की मात्रा, नू एन डबल ओ नू, ठीक है। फिर लिखेंगे ना में ए की मात्रा ने, तो लिखेंगे एन ई ने, ठीक है। फिर लिखेंगे नए, एन ए आई नए, ठीक है। फिर लिखेंगे ना में ओ की मात्रा नो, एन ओ नो। फिर ना में औ की मात्रा नौ, एन ए यू नौ, ठीक। फिर लिखेंगे ना में अंक की मात्रा नंग, तो एन ए एन नन, ठीक। फिर लिखेंगे ना में आह की मात्रा नहा, तो एन ए एच, ठीक है। ये इसमें हम पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं बड़ी अंग्रेजी का, फिर बाद के अक्षर छोटी अंग्रेजी के लिखते हैं, ठीक है? लिखने वाली जो छोटी अंग्रेजी है वो लिखते हैं। तो आप अभी हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास कीजिए। तो अगला अक्षर है हमारा प, प के लिखते लिए लिखते हैं पी, पी और ए प। फिर प, प में बढ़िया की मात्रा, तो पी डबल ए प, ठीक है। फिर लिखेंगे प में छोटी की मात्रा पी, पी और आई पी। फिर पा में बड़ी की मात्रा पी, तो पी और डबल ई पी। पा में छोटे ऊ की मात्रा पू, लिखेंगे पी यू पू। पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, तो लिखेंगे हम लोग पी डबल ओ पू, ठीक है। फिर लिखते हैं हम पा में ए की मात्रा पे, लिखेंगे हम पी और ई पे। फिर पा में ए की मात्रा पे, तो पी ए आई पे। पा में ओ की मात्रा पो, तो पी ओ पो। पा में औ की मात्रा पौ, तो पी ए यू पौ। पा में अंग की मात्रा पंग, पी ए एन पंग। फिर पा में अह की मात्रा पहा, पी ए एच पहा, ठीक है। अगला अक्षर हमारा है फ, फ के लिए लिखते हैं पी एच ए, ठीक है? पी एच ए फ। और यहाँ फा, फा में बड़े आ की मात्रा फा, लिखेंगे हम लोग पी एच डबल ए फा। फिर लिखेंगे फा, फा में छोटी की मात्रा फी, पी एच आई फी। फिर लिखेंगे फा में बड़ी की मात्रा फी, तो पी एच डबल ई फी। फिर फा में छोटे ऊ की मात्रा फू, लिखेंगे पी एच यू फू। फिर फा में बड़े ऊ की मात्रा फू, लिखेंगे हम लोग पी एच डबल ओ फू, ठीक है। फिर लिखेंगे फ, फ में ए की मात्रा फे, फे के लिए लिखेंगे पी एच ई फे। फिर लिखेंगे फा, फ में ए की मात्रा फे, लिखेंगे पी एच ए आई फे। फिर फा, फ में ओ की मात्रा फो, लिखेंगे पी एच ओ फो। फिर फा में औ की मात्रा फो, लिखेंगे पी एच ए यू फो। फिर फा में अंग की मात्रा फंग, लिखेंगे पी एच ए एन फंग। फिर फा में अह की मात्रा फहा, लिखेंगे हम लोग पी एच ए एच फहा, ठीक है। फिर अगला अक्षर हमारा है बा, बा के लिए लिखेंगे बी, बी ए बा। फिर लिखेंगे बा, बा में बड़े आ की मात्रा, तो लिखेंगे बी डबल ए बा। फिर लिखेंगे बा, बा में छोटी की मात्रा बी, बा में छोटी बी और आई बी। फिर लिखेंगे बा, बा में बड़ी की मात्रा बी, लिखेंगे बी डबल ई बी, ठीक है। फिर लिखेंगे बा, बा में छोटे ऊ की मात्रा बू, तो बू के लिए लिखेंगे बी और यू बू। फिर बा, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, तो लिखेंगे हम लोग बी और डबल ओ बू, ठीक है। फिर बे, बा में ए की मात्रा बे, लिखेंगे बी और ई बे।
फिर लिखेंगे बे, बा, बा में ए की मात्रा बे, लिखेंगे बी ए आई बे, ठीक है। फिर बा, बा में ओ की मात्रा बो, लिखेंगे हम लोग बी और ओ बो। फिर लिखेंगे बो, बा में ओ की मात्रा बो, लिखेंगे बी ए यू बो। फिर बा में अ की मात्रा बंग, लिखेंगे हम लोग बी ए एन बंग, ठीक। फिर लिखेंगे बा में आ की मात्रा बहा, लिखेंगे हम लोग बी ए एच बहा, ठीक है। अगला अक्षर है भा, भा के लिए लिखते हैं बी एच, बी एच ए भा। फिर लिखेंगे भा, भा में बड़े आ की मात्रा भा, तो बी एच डबल ए भा। फिर भा, भा में छोटी की मात्रा भी, लिखेंगे बी एच आई भी। फिर लिखेंगे भा, भा में बड़ी की मात्रा भी, भी के लिए लिखेंगे बी एच डबल ई भी। फिर भा, भा में छोटे ऊ की मात्रा भू, भू के लिए लिखेंगे बी एच यू भू। फिर भा, भा में बड़े ऊ की मात्रा भू, भू के लिए लिखेंगे बी एच डबल ओ भू, ठीक है। फिर अगला है भे, भा, भा में ए की मात्रा भे, लिखेंगे हम लोग बी एच ई भे। अगला अक्षर है भय, भा, भा में ए की मात्रा भय, भय के लिए लिखेंगे बी एच ए आई भय। फिर लिखेंगे भो, भा, भा में ओ की मात्रा भो, भो के लिए लिखेंगे बी एच ओ भो। फिर है भाव, भा में अ की मात्रा भाव, भाव के लिए लिखेंगे बी एच ए यू भाव, ठीक। फिर भा, भा में अ की मात्रा भंग, भंग के लिए लिखेंगे बी एच ए एन, ठीक है। फिर भा, भा में आ की मात्रा भा, भा के लिए लिखेंगे बी एच ए एच, ठीक। फिर अगला अक्षर हमारा है माँ, माँ, माँ के लिए लिखते हैं एम, एम ए माँ। फिर माँ, माँ में बड़ी आ की मात्रा माँ, तो हम लोग लिखेंगे एम डबल ए माँ, ठीक। फिर माँ, माँ में छोटी की मात्रा मी, लिखेंगे एम आई मी। फिर माँ, माँ में बड़ी की मात्रा मी, लिखेंगे एम डबल ई मी। फिर माँ, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, लिखेंगे हम लोग एम यू मु, ठीक है। फिर माँ, माँ में बड़े ऊ की मात्रा मु, लिखेंगे हम लोग एम डबल ओ मु। फिर लिखेंगे मे, माँ, माँ में ए की मात्रा मे, तो लिखेंगे एम ई मे। फिर मैं, माँ में ए की मात्रा मैं, तो लिखेंगे हम लोग एम ए आई मैं, ठीक। फिर मो, माँ, माँ में ओ की मात्रा मो, लिखेंगे एम ओ मो। फिर मो, माँ, माँ में ओ की मात्रा मो, लिखेंगे हम लोग एम ए यू मो, ठीक। फिर लिखेंगे मंग, माँ और एम और ए एन मंग, ठीक। फिर लिखेंगे माँ, माँ में आह की मात्रा महा, महा को अंग्रेजी में लिखते हैं एम ए एच महा, ठीक। अगला अक्षर हमारा है या के लिए लिखते हैं बाई, बाई ए या, ठीक। फिर लिखेंगे हम या में बड़ी आ की मात्रा, तो बाई डबल ए, ठीक है, या, सही। अगला अक्षर है या में छोटी की मात्रा ये, तो बाई और आई, ठीक। फिर या में बड़ी की मात्रा यही, ठीक है, यही के लिए लिखेंगे बाई डबल ई। फिर या में छोटी ऊ की मात्रा यू, तो बाई और यू, यू। फिर या में बड़े ऊ की मात्रा यू, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग बाई डबल ओ, ठीक। फिर है अगला अक्षर ये, या में ए की मात्रा ये, लिखेंगे बाई और ई, ये। फिर या में ए की मात्रा ये, बाई ए आई ये, ठीक। फिर या में ओ की मात्रा यो, बाई और यू, ओ यो, यो, या में ओ की मात्रा यो, यो के लिए लिखेंगे बाई ए यू यो, ठीक है। फिर या में अ की मात्रा यंग, लिखेंगे बाई ए एन, ठीक है। फिर या में आह की मात्रा यहा, तो लिखेंगे हम लोग बाई ए एच यहा, ठीक है। अगला अक्षर हमारा है र, र के लिए लिखते हैं आर, तो लिखेंगे र, आर ए र। फिर लिखेंगे रा, रा में बड़े आ की मात्रा रा, तो लिखेंगे आर डबल ए रा। फिर आ, रा, रा में छोटी की मात्रा री, लिखेंगे हम लोग आर आई री। फिर
फिर लिखेंगे रा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो आर डबल ई री। फिर रा, रा में छोटी ओ की मात्रा रू, लिखेंगे आर और यू रू। फिर रा, रा में बड़े ओ की मात्रा रू, रू के लिए लिखेंगे आर डबल ओ रू। फिर है रा, रा में ए की मात्रा रे, तो लिखेंगे आर और ई रे। ठीक, रे आर ए आई रे। ठीक, फिर लिखेंगे रो, आर ओ रो। फिर रा, रा में अ की मात्रा रो, लिखेंगे हम लोग रो, आर ए यू रो। फिर रा, रा में अंक की मात्रा रंग, लिखेंगे हम लोग आर ए एन रंग। फिर लिखेंगे रहा, आर ए एच रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी